वैसे ये इलाका जो इतना डरावना है ना, लोग कहते हैं कि यहाँ पे वज्र हर साल गिरता है, जैसे कि आपने सुना अभिषेक को और नाना जी को, एक बार ना एक बार वज्रपात होता है। ये प्लेस भी है जो छुपा हुआ प्लेस है, आपको देखना चाहिए यहाँ पे आकर के, इन चीजों को देखिए, काफी रोमांच और रहस्य भरा ये प्लेस है। गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत करता हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। तो आप सबों को झारखंड पद यात्रा में जोहार। और आज कारवे दिन को जर्नी करते करते मैं शाम तक थोड़ा सा लिफ्ट ले करके पिठोरिया पहुँच चुका था, क्योंकि जंगल पड़ गई थी रास्ते में। तो पिठोरिया में मैं फिलहाल हूँ इस वक्त, अपने रिलेटिव नाना जी लगेंगे मेरे और नानी जी, तो मैं उनका थोड़ा सा घर आपको दिखाना चाहता हूँ। कुछ विशेष बात है जिसको मैं कवर करना चाहता था कल रात को ही। तो ये रहे नाना जी और नानी, वहाँ पे कुछ काम कर रही। तो फिलहाल ये जो घर आप देख रहे ना, वो बिल्कुल मिट्टी का है। और आजकल के वक्त में जहाँ पे हम पेंटिंग करते हैं घरों को, तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे ना घरों में व्हाइट कलर का, ये मिट्टी से पेंटिंग है। ये आगे जाके मैं सिमडेगा और दूसरे गाँव में आपको दिखाऊंगा कैसे होता है क्या होता है। फिलहाल नानी जी भी हमारे यहाँ पे। तो ये किचन पहले मिट्टी की ही सब कुछ होती थी, बट धीरे धीरे जो है ना टेक्नोलॉजी आ गई, तो अभी यहाँ पे ये सारी चीज़ें, बट अभी भी परंपरा है ना जो, वो ख़त्म हुई नहीं। मिट्टी से पुताई की गई है, आप देख सकते हैं मिट्टी से पुताई की गई है। हम लोग इसे दूधी मिट्टी कहते हैं, दूधी मिट्टी कही नहीं अकरा। हाँ, और दीर्घाएँ बनी गई, देखिए ऐसे बनते थे पुराने ज़माने में, ऐसे दीर्घाएँ बनी जाती थी, जो अलमारी आप कहते हो आजकल के टाइम पे, जिसमें से चीज़ें रखते हैं। ये हो गई पारंपरिक घर जो भी झारखंड में पहले से हुआ करते थे। तो इस ब्लॉग में हम आगे जाकर के पिठोरिया और श्रुत्यांबी की हिस्ट्रीज़ को कवर करेंगे, और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो इस ब्लॉग में डिस्कस किए जाने हैं, तो आप बने रहिएगा। चलिए मिलते हैं। एक और बात गाइस, ये नागपुरी लैंग्वेज में बुक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है नागपुरी जगत की, नागवंशी साम्राज्य की चीज़ों को लेकर के बहुत सारी स्टोरीज दी गई है, जो रियल स्टोरीज हैं। तो आप चाहे तो ऐसे बुक्स आप नागपुरी नागवंशी साम्राज्य को समझने के लिए आकर के खरीद सकते हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है गवर्नमेंट का भी, कि स्कूलों में ये चला रहे हैं और ये होना भी चाहिए। तो अगर आपको और ज़्यादा कुछ डिटेल्स चाहिए, तो नागपुरी लैंग्वेज की जो बुक है उसको लेकर के आप नागवंशी साम्राज्य के बारे में समझ सकते हैं। एज यूजुअल गाइस, दिस इज द टाइम टू से बाय बाय दिस ब्यूटीफुल फैमिली। बाय नानी, मिल गए ना। चलो गाइस, फिर यहाँ से निकलता हूँ मैं। झंडे हैं बाहर में, हैंग कर लूँगा थोड़ा सा, ये छोटा जगह है पर ये बहुत अच्छा है। तो अभी अभिषेक के साथ जा रहा हूँ मैं पिठोरिया किला को शूट करने के लिए, आप बने रहेंगे वीडियो पे। और आज का मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा है, पतली हवाएं चल रही हैं, सर्द तो है टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये वो इलाका है जहाँ पे एक चद्दर की जो ठंड है वो हमेशा होती है, चाहे मर्जी फिर वो गर्मी हो। तो मैं रात को यहाँ पे आ गया था यार, 12वें दिन की जर्नी को करते करते, आज 12वें दिन की जर्नी के लिए मैं निकल चुका हूँ। यहाँ से पहले पिठोरिया किला जाऊँगा और फिर वहाँ से होते हुए श्रुत्यांबी। यार जब मैं पतरातू घाटी कल पार कर रहा था ना, तो एक जगह मिलता राढ़ा, तो यहाँ से तकरीबन 11 किलोमीटर की दूरी के आसपास है। और जैसा कि पिठोरिया किला हम जा रहे हैं, यहाँ बहुत पुराना नागवंशी साम्राज्य हुआ करता था, मुंडाओं का आधिपत्य था यहाँ पे, और सबसे जो पूजनीय देवता थे उनके, यहाँ पे कह सकते हैं आप कुल देवता, वो सूर्य देव थे। तो 12वीं शताब्दी में सूर्यदेव की मंदिर और शिव जी की मंदिर भी मिल चुकी है, प्राचीन मंदिर उनको खुदाई में राढ़ा गांव के आसपास। तो इन गलियों से होते हुए जा रहे हैं हम। वैसे ये जो पिठोरिया है, यहीं के आसपास में श्रुत्यांबी गांव भी पड़ता है, जिसके बारे में मैं आगे जा कर के दिखाने वाला हूँ आपको, और कहानी बताऊँगा, ऐसी कहानी के बारे में जिक्र करूँगा जो सभी झारखंडियों को पता होना जरूरी है। वैसे हम बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, वैसे अगर आप पिठोरिया पहुँचना चाहते हैं रांची की ओर से, 17 किलोमीटर की डिस्टेंस पड़ती है, मैं तो कहता हूँ कि आपको आना चाहिए। प्राचीन दुर्गा मंदिर जो है वो है इधर, और हमारे बाएं साइड में है वो पिठोरिया किला, अभी बिल्कुल ध्वस्त की अवस्था में, फिर भी मैं कोशिश करूँगा आपको दिखाने की, विथ परमिशन जो अभी लैंडलॉर्ड है इस जगह के। हम जा रहे हैं पिठोरिया किला को देखने के लिए, और अद्भुत एक बहुत रहस्यमय चौंका देने वाली कुछ स्टोरीज है, मैं जब आ रहा था यहाँ पे मैंने पढ़ा था, उसे मैं अभी बताऊंगा इस पिठोरिया किला को दिखाते हुए। खैर रास्ते में मैं, मेरे को कुछ ही खूबसूरत से फूल मिले देखने को, काफ़ी अच्छा लगता है यार ये फ्लावर, गेंदे वाले। तो भी कुछ ऐसा हालत हो चुका है, वो कुआं है ना, प्राचीन कुआं। पहले तो गाइस आप ये किला देखो,
और उसके बाद फिर मैं आपको इसके बारे में इतिहास बताऊंगा। ये देख रहे हो ना, अभी कचड़ों से भर गया है ये किला। आसपास में कचड़े फेंके हुए हैं, पेड़ हैं, और ये किला जो है आप अभी देख पा रहे हो कितना भयानक तरीके से सड़ने की अवस्था में। मुझे लगता है कि सरकार को इसे बचाना चाहिए था, क्योंकि इसके बारे में जो अभी इतिहास में बताऊंगा आपको, शायद आप भी देख करके मेरी ही बातें आप कहोगे। पहले मैं थोड़ा सा अंदर जाना चाहूँगा। ये देख लो ना, ये है किला पिठोरिया का, और किस अवस्था में है। मैं प्रशासन से और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से भी इस ब्लॉग के माध्यम से कहना चाहूँगा, यार आपको नहीं लगता है कि इन जगहों को सुरक्षित रखना चाहिए, अपने फ्यूचर जनरेशंस को अपने इतिहास के बारे में अवगत कराने के लिए। मैं चूँकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं हूँ, नहीं मैं सपोर्ट करता हूँ, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये धरोहर है हमारे। अगर हम इन्हें नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इसमें मुश्किलात आएंगी, हमारे जनरेशन को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा। सीमेंट का नहीं है, नहीं दीवार जो है ना जी, सीमेंट का जुड़ाई नहीं है, इसमें बेल का लाशा है। अच्छा, और उरीद घाटी है। अच्छा अच्छा, और इसमें कुछ कुछ लाशा मिला के और तैयार किया है राजा साहब। अच्छा, ये देखिए गाइस, कुछ दिखा रहे हैं, सीमेंट नहीं है, ये बिल्कुल सीमेंट का यूज नहीं है गाइस इसमें। इसमें मिट्टी गोंद वगैरह जो है उसकी यूज की गई है, और चूंकि ईंटों से जकड़ी हुई है, इसके वजह से आपको सीमेंट की भांति प्रतीत होती होगी। बाद में जीर्णोद्धार का काम किया गया होगा मुझे नहीं पता, बट फिर भी ये जो है ना, ये इस हालत में है कि ये लगभग मर गया है। ये देखिए, ये किला का पार्ट है, ये किला का पीछे का रास्ता है, ये है किला का कुछ अंश यहाँ पे, जहाँ पे बड़े पेड़ जो है वो किसी तरीके से इन किलाओं को जकड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं पुरानी डिजाइन, आप देखिए होप्सो की, आपको अच्छा लग रहा होगा गाइस। मैं इन्हीं चीज़ों की वजह से अपनी झारखंड पैदल यात्रा को कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यही अगर राजस्थान जैसे जगहों पे होता ना, तो लोग यहाँ देखने के लिए आते हैं, भूटीला किला, भूटीला किला, ये किला वो किला। देखिए, कमेंट करके जरूर बताएं गाइस, हमारे झारखंड के ये चीज़ें जो है कितना डिजर्व करती है हाईलाइट होने के लिए, क्या इनको बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाए कि हमें इन चीज़ों को बचाना चाहिए, क्योंकि ये हमारी धरोहर है, कहीं ना कहीं हमारे झारखंड के इतिहास से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। और ऐसी चीज़ें पता है बाहर देश दुनिया से लोग देखने के लिए आते हैं। कहानी जो है, यहाँ पे हर साल लगभग वज्र गिरती है, और वज्र इसलिए गिरती है क्योंकि यहाँ पे विश्वनाथ सहदेव नाम के एक क्रांतिकारी ने श्राप दिया था राजा को। तो देखिए, एक कुआँ यहाँ पे है, कुआँ को फिलहाल ढका गया है ताकि बाहरी परतों से उसको सुरक्षित किया जा सके। ये महल का सबसे पीछे वाला भाग, अच्छा एक और बात मैं जानता हूँ कि आपको शायद ही गूगल में देखने को मिल गया, अगर खुद से जा करके जब तक सिर्फ पर्सनली सर्च नहीं कीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि इसको दिखाया जाएगा। वैसे कहीं पे यहाँ पे फांसी घर था ना? हाँ, फांसी घर था इसी आसपास। मतलब रखरखाव के अभाव में ये भी नहीं पता चल पा रहा है कि कहाँ क्या था, क्योंकि देखिए इतने सारे जंगल यहाँ पे भर गए हैं, भर पड़े हैं। So, उस टाइम का ये लकड़ी अब तक है ना, देख सकते हैं गाइस, वो जो लकड़ियां है ना, ये लकड़ियां वही लकड़ी राजा समय का, उस टाइम का, मतलब आज से 350-400 साल पुराना है, पुराना है। और उनके वंशज से वो चलते आया है, और उसके बाद ये श्रापित किला हुआ है, 200 साल से श्रापित किला है। तो आप देखिए उस टाइम का ये लकड़ी, और अब तक आवाज से पता चलता है कि ये लकड़ी जिंदा है, मतलब लकड़ी में जंग नहीं लगी, मतलब किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं हुई। सोचिए अभी की लकड़ी और इस लकड़ी में कितना डिफरेंस है। देखिए गाइस, एक और प्लेस दिखाता हूँ जहाँ पे लगभग वज्र गिरती है। ये प्लेस आप देख रहे हैं, अंदर में कितनी मलबा जमी हुई है,
वज्र गिरती है, वज्र गिर के मलबा ऐसे ऐसे करते करते इस महल को ढक चुकी है, अंदर जाने का ये जगह हुआ करता है। मलबा भर चुका है सिर्फ वज्र गिरने से, और ये सारे देखिए कितने पुरानी मिट्टी है, ये पुरानी मिट्टी के होने की वजह से काला हो गया है, और हम अभी इस वक्त ऊपर चढ़ गए। यहाँ से नीचे जाएंगे आपको इतनी सुंदर संरचना देखने को मिलती है, यहाँ से और ऊपर जाया जा सकता है, फिलहाल ये अंडर हो चुका है तो यहाँ से आपको गिरने का भी डर लगेगा। ये देखिए जो बिजली गिरती है ना, बिजली गिरने से ऐसे फट जाती है, तो आप यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा यहाँ पे। ये बैग तो मैं नीचे रख दिया हूँ, चढ़ रहा हूँ, एक अजीबो गरीब फीलिंग आ रही है मुझे यार, गजब का है यार। आप राजस्थान क्या जाओगे यार, आप इधर ही आ जाओ, ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखो ये थंडरिंग होकर के, ये जब थंडरिंग होकर के गिरती है तो कुछ ऐसा छेद बना देती है, देख रहे हो ना गाइस। ये छत का इलाका था जो कि पूरा ध्वस्त हो चुका है, तो मैं अभी आपको ये पिथौरिया का किला का दिखा रहा हूँ संरचना की कैसा है, किस प्रकार है। मस्ट विजिट प्लेस में से एक है ये, इसी वजह से मैं बना रहा हूँ झारखंड घूम घूम के, झारखंड पदयात्रा कर करके ऐसे जगहों को मैं आपको दिखा सकूं, ताकि आप भी अपने इतिहास को जानने के लिए घूमो, मेरे बाद ही घूमो पर घूमो, राजस्थान जाते हो इन इतिहासों को देखने के लिए, पर कहीं ना कहीं आप अपने इतिहास को भूलते जा रहे हो कि कई सारी चीज़ें हो रखी हैं और आपके पास ऑलरेडी है, तो इसे बचाने के लिहाज से भी और इसको प्रमोट करने के लिहाज से भी मैं अपने इस झारखंड पदयात्रा में हूँ। तो आगे चलिए, अब आगे के महल को हम देखते हैं। Oh my God, such a classy place. मतलब अगर अभिषेक और नाना जी नहीं होते तो शायद मैं इस जगह को नहीं घूम पाता। तो अब हम जाते हैं आगे के किला की ओर, और कहानी कुछ ऐसा है गैस कि यहाँ के जो राजा थे जगतपाल सिंह, वो अंग्रेज़ों के साथ हाथ मिला लेते हैं किसी कारणवश, अंग्रेज़ों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए, अपना निजी स्वार्थ के लिए। तो जो क्रांतिकारी थे विश्वनाथ सुखदेव, उनको ये बात रास नहीं आई, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया, उन्होंने आकर के विरोध जताया, और जब विरोध जताया तो इसी महल में जो है ना उनको फांसी दे दी गई। उस वजह से इस जगह पे विश्वनाथ सुखदेव जी, तो उन्होंने वो ये दे दिया, श्राप दे दिया इस किले को, जिस प्रकार मैं अभी मर रहा हूँ बिना दोष के, ये महल भी आपका नष्ट हो जाएगा, बिजली गिरेगी यहाँ पे, और कोई भी अस्थि तो नहीं बच जाएगा। आज सच वो दिखने को मिल रहे हैं। फिलहाल ये कुएँ जो राजा ने बनाई थी, एक और कुआँ आपने देखा था, पर ये भी बहुत पुराना कुआँ, और आप देख सकते हैं षटकोण डिज़ाइन बनाई गई है इस कुएं की, और ये महल है। महल का कुछ और अंश आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लग रहा है। तो चलिए थोड़ा सा और अंदर जाने की कोशिश हम करेंगे। और रास्ता मुझे देखने को मिल रही है जो छत की ओर जाएगी, बट मैं यहाँ से अभी जाना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि यार वाकई में थोड़ा सा किला जो है ड्रावनी है, और कब गिर जाए कोई नहीं पता। देखिए अभी भी लकड़ियाँ जो है बची हुई, और इन्हीं लकड़ियों को इस्तेमाल करके दोतल्ला बनाई जाती थी, मतलब छतों को और बनाया जाता था। देख सकते हैं लगभग संरचनाएं ख़त्म हो गई है, और मुझे लगता है कि अगर अब भी इन 10 साल से 20 साल के अंदर अगर इन जगहों को नहीं बचाया गया, तो वास्तव में ये जगह और नहीं बचेगी, बिकॉज जितने भी लकड़ियाँ हैं उनको खींच खींच के आसपास के जो भी लोग हैं उसको लेकर के चले गए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं इसमें दीमक भी नहीं लगी है, इन लकड़ियों में बहुत कम अब जाकर के दीमक लगना स्टार्ट हुई है, और उस टाइम की खिड़की और जो दरवाजे हुआ करते थे वो अभी आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। ईपिक ही है यार ये। फिलहाल मैं अभी कुछ यहाँ पे पिक्चर्स अपनी क्लिक करूँगा, बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे घूमा। यहाँ से आगे निकलने के बाद इस ब्लॉग को एंड करूँगा, ज़्यादा लंबा तो नहीं करना चाहूँगा, बट मैं कहना जरूर चाहूँगा अपने ब्लॉग के माध्यम से कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना गाइस, ताकि जितना हो सके अब कम से कम पुरातन विभाग कम से कम इसे बचाए, कम से कम प्रशासन इसे बचाने की कोशिश करे, और एक पर्यटन स्थल के रूप में इसे बनाए। अगर पर्यटन स्थल के रूप में बनेगा तो मुझे लगता है कि इन चीज़ों की रखरखाव की जाएगी, चाहे मर्जी अब जितनी कर पाएँ लोग, बट की जानी चाहिए इसे।
वैसे ये इलाका जो इतना ड्रामना है ना, लोग कहते हैं कि यहाँ पे वज्र हर साल गिरता है, जैसे कि आपने सुना अभिषेक को और नाना जी को, एक बार ना एक बार वज्रपात होता है। लोग कहते हैं कि नहीं गिरता है लंबी लंबी पेड़ों की वजह से, पर लंबी पेड़ तो उस वक्त भी हुआ करती थी है ना, जब महल था। तो आखिर फिर ये क्या रीजन है? तो जाहिर सी बात है ये श्रापित किला है जिसकी वजह से यहाँ पे गिरती है वज्र। वज्र गिरने की वजह से ये जो छेद आप देख पाते हैं ना, पेड़ उग गए, पेड़ उग करके निकल गए, जैसे कि आपको गोल गोल छेद आपको मैं दिखा रहा था कैमरे से, तो वो जो है ना वो कारण वो दिखती है आपको, दिखाती है कि यहाँ से थंडरिंग हुई है। हाँ, सावन महीना में गिर गया था बताओ। और यहाँ के आसपास में एक तालाब भी है, राजा का तालाब है, तो वहाँ पे हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं यार अभी भी ईंटें जो है ना सुरक्षित है, मतलब सोचो कि उस काल का बनाया हुआ वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर मटेरियल्स जो है अब भी सुरक्षित है। अभी मैं जिन लकड़ियों में खड़ा हूँ ये लकड़ियाँ सुरक्षित है। अभी जाकर के दीमक लगना स्टार्ट हुआ है, सोचो कि हमारी इंडिया की जो आर्किटेक्चर थी वो कितनी एडवांस थी, कितनी एडवांस हम सिविल डिजाइन किया करते थे। तो तहिन सब के अपना अपने गर्व होवे चाहिए कि हम के झारखंड में इतने पुरान पुरान चीज है। मगर तहिन के जो हो कि तहिन के खाली घूमना और राजस्थान, तो इन यह दोनों आयकर का कभी रांची से 17 किलोमीटर दूरी पर तो आयकर देख सका। अगर तो इन पतरातू तक आवा है, पतरातू वेली से आपको तकरीबन 15 से 16 किलोमीटर के डिस्टेंस में ये जगह पड़ जाता है। तो पतरातू वेली से या फिर रांची से जब आप आ रहे हैं तो घूमने के लिए रांची में एक ये प्लेस भी है जो छुपा हुआ प्लेस है, आपको देखना चाहिए यहाँ पे आकर के। इन चीज़ों को देखिए, काफ़ी रोमांच और रहस्य भरा ये प्लेस है। गाइस निकलता हूँ फिलहाल इस किले से जो कि पिठोरिया किला के नाम से प्रचलित है, और आसपास में काफ़ी घर है, यहाँ पे लोग आते हैं। बट मुझे लगता है कि इन जगहों को हाईलाइट होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मेरे ब्लॉग के माध्यम से अगर आप इसे देख पाए होंगे तो आपकी भी इच्छा जगेगी यहाँ घूमने की। इसके साथ कहना भी चाहूँगा कि आपको आना भी चाहिए, तो ब्लॉग ज़्यादा ना बन जाए बड़ा, इस वजह से मैं इस ब्लॉग को यहीं पर फिलहाल एंड करता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे आगे जर्नी में। फिलहाल अभी 12वां दिन, और 12वां दिन की जो जर्नी है वो अभी चलेगी। वैसे वेट, एक तालाब भी है क्योंकि राजाओं महाराजाओं के जो गढ़ हुआ करती थी और राजपाट हुआ करता था, राजमहल हुआ करता था, तो उसके साथ एक तालाब भी हुआ करता था। तो हम तालाब की ओर जा रहे हैं आगे। ये चूँकि पिठोरिया का जो इतिहास है ना वो 12वीं सदी से चला रहेगा जी, तो मैंने सोचा कि इसको कवर करना भी चाहिए था। मैं बड़ा जल्दी में रहता हूँ कि मैं आपको आपके लिए एक छोटा ब्लॉग बनाऊँ, बट मुझे लगता है कहीं कहीं कुछ कुछ ब्लॉग्स लंबे बनने भी चाहिए ताकि आप ज़्यादा अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर पाएँ। फिलहाल हम एक तालाब को देखने के लिए जा रहे हैं कि अभी किस तरीके से वो जर्जर स्थिति में आ गई है और अपनी ही अस्तित्व खो रही है, और इन अस्तित्व को बचाना सरकार का काम भले हो, बट अगर आप घूमने के लिए नहीं आएंगे तो सरकार की आंखों में तब तक धूल जमे रहेंगे। तो आप आइए घूमने के लिए, जब भीड़ लगना स्टार्ट हो जाएगी तो सरकार की आंखों से धूल जो है साफ हो जाएंगे। आगे है तालाब, और एक पहाड़ और दिखता है मुझे यहाँ से थोड़ा दूर, वहाँ पे भालू भी आ जाती है जैसे कि आज मैंने सुबह सुना था। और चलिए गाइस फाइनली इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू बोलना चाहेंगे नाना जी को भी और अभी को भी, थैंक यू सो मच आपका कि आप लोगों ने मुझे इस जर्नी को करने में मदद की। और शुक्रिया अदा इसलिए भी करना चाहूँगा कि आप लोगों ने मुझे नाइट को हॉल्ट किया, अपने घर पर बना दिए, मेहमान नवाजी की गई इनकी वजह से। मिलते हैं फिर आप लोगों से ना, और आप लोगों से भी अगर चैनल में नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम में, करंट अपडेट देता हूँ मैं। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट नए वीडियोस के साथ इसी 12वें दिन के जर्नी में। सुपियांबे जगह जा रहा हूँ मैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो चलिए बाय बाय।